चलिए निमसेट के एक नए टॉपर से मिलते हैं, ऋषभ से, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं और इनके ऑल इंडिया रैंक 268 है और ये भोपाल क्लासरूम के स्टूडेंट भी हैं। तो ऋषभ, सबसे पहले तो आपको 268 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ऋषभ, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से हैं, बिलासपुर सुन के कई बार लगता है कि एमपी या छत्तीसगढ़ यूपी की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअल में आप हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं, इतनी दूर से आए थे भोपाल में। तो यस सर, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है और भोपाल एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा वो आप शेयर जरूर करें। सर एक्चुअली मैंने +1 +2 में सर बायो लिया था मैथ्स की जगह, ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी कि इसके बाद नीट वगैरह भी करते हैं। तो मुझे +2 में आके पता लगा कि सर डॉक्टर नीट एग्जाम दे के ही बनते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा सर इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर कंप्यूटर्स वगैरह में रहता था। तो मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा कि आप +2 के बाद BCA करके MCA कर सकते हो NIT से। तो फिर मैंने BCA में एडमिशन ले लिया और उसके बाद सर ड्रॉप ईयर में मैं भोपाल आ गया। तो उसके बाद सर 268 रैंक आ गया। तो ये बताओ कि भोपाल में आपका एक तो मैथ्स बहुत वीक था, मुझे पता अच्छे से। तो मैथ्स यस को कई बच्चे जिनका मैथ्स वीक होता है उनको डर लगता है, आपने तो डर के आगे निकल गए, मैथ्स बहुत अच्छी करी, पूरे साल रेगुलर भी रहे। तो अपना मैथ्स को इम्प्रूव किस तरह से करा वो जरूर बताओ, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, जिनका मैथ्स 11th 12th में नहीं था, उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा आपके थ्रू। सर, मैंने लास्ट ईयर भी निमसेट दिया था लेकिन उसमें मेरे मैथ्स में -12 आए थे और ओके, मेरी मेरी रैंक ही नहीं आई थी पिछले साल। क्योंकि आपके तो नेगेटिव मार्क्स थे। और ये भी बहुत हाँ इंपॉर्टेंट बताए कि -12 से आपने आज 268 रैंक अचीव किए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर तो सर कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि तू कैसे करेगा, तेरे तो -12 आए हैं मैथ्स में। लेकिन मुझे सर शुरू से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। तो सर वैसे ही, और आपके सर वो टिप्स एंड ट्रिक्स सर, उसको मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही करता था आपके ट्रिक्स से, और एग्जाम में भी मैंने ऐसे ही किया। और कॉन्फिडेंस तो सर मेरे में पहले से था कि मैं तो कर ही लूंगा सर, कि अगर मैं नहीं कर सकता तो औरों का कैसे हो सकता है, मेरा तो हो ही सकता है। बिल्कुल सही बोला, ये बिलीफ सिस्टम ही कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है। और एक्चुअल एक बात सच है कि मैथ्स वीक था इसलिए आपने ड्रॉप भी लिया, निगेटिव से, नॉट एलिजिबल से कहाँ आप कितनी अच्छी रैंक तक पहुंचे, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सोचने वाली भी बात है, वो बच्चे जो मैथ्स को नाम पर डरते हैं उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप बिल्कुल मत घबराइए। तो ऋषभ, ये बताओ कि जब आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स थे, लोगों ने आपको बहुत समझाया फिर भी आपने हार नहीं मानी, तो आपका इंटायर ईयर सक्सेस, मतलब कभी कोई प्रेशर आया, कभी कोई टेंशन हुई आपको? सर मुझे कभी टेंशन कुछ नहीं हुआ, मुझे पता था कि मैं कर ही लूंगा सर। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग से, और आप भी बोलते थे कि कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जो आप सोचते हो वही होता है। और मैं ऐसे ही सोच के चल रहा था कि मेरा टॉप 100 या टॉप 200 में आ सकता है। लेकिन एग्जाम वाले दिन मैंने थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह कर दी जिसके चक्कर में 268 आ गया। लेकिन चलो ये भी अच्छा रैंक है सर। और उसके पहले CUT हुआ था तो उसमें मेरे 186 मार्क्स थे, तो उससे भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला था। वो मैंने बिल्कुल बिना पढ़े दिया था। पर वो तो एक बूस्टअप था आपका कि बिना पढ़े यस सर, देने के बाद भी आप 186 मार्क्स लाए, ये एक बूस्टअप था, फिर आपने अपना कॉन्फिडेंस कहीं नहीं खोया। और ये बात बिल्कुल सच है कि कई लोग जिनके पास बहुत नॉलेज टैलेंट होती है पर कॉन्फिडेंस की वजह से वो मात खाते हैं, और एक जगह आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए रखा और इस बात का नतीजा ये कि नॉन मैथ्स होते हुए भी 268 रैंक अचीव की। इसलिए मुझे बहुत खुशी है अंदर से जो बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल बनते हैं उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स से एक डर होता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। अच्छा ये बताओ, एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर दे रहे थे तो क्या माइंड में चल रहा था? सर मुझे तो लग ही रहा था सर मेरा तो हो जाएगा, मेरी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन मैं हॉल में सर बहुत पहले आके बैठ गया था, लगभग 1 घंटा पहले आ गया था। ठीक तो है, उन्होंने सर पानी की बोतल दे दी थी, वो मैंने पूरी पी ली सर पहले ही। और उसके बाद तो सर फिर बाथरूम जाने का प्रेशर आ गया सर। उसके चक्कर ओके, में सर मेरी LR काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, और वो मेरी काफ़ी स्ट्रांग थी वैसे तो। लेकिन LR में फिर सर 91 मार्क्स आए बस। और टोटल कितने मार्क्स है? सर टोटल मार्क्स है मेरे 467। अगर बाई चांस आप, मैंने हमेशा बोला पानी पीना पर एक एक घूंट पीना है, वो यस एक बार उठ के नहीं गए होते क्योंकि लिमिटेड टाइम था, वो 5 मिनट में अगर आप 3 क्वेश्चन भी और कर लेते तो आपकी रैंक का कहीं और होती। सर, सर मैं गया ही नहीं था सर, मैं ऐसे ही उधर ही बैठा रहा। और मुझे उस टाइम लग रहा था कि जल्दी जल्दी से एग्जाम हो जाए बस सर। अब
लेकिन वो मैं कहीं ना उत्तीर्ण कहीं गया। माइंड पे चालू हो गया था वो हाँ, एक्चुअल में। और सर मैं यही सोच रहा था एग्जाम के टाइम कि मैंने ये लास्ट में आके क्या कर दिया, मैंने पूरा नहीं बिगाड़ दिया अपना पेपर, लेकिन सर फिर भी अच्छी रैंक आ गई फिर भी। बस जब तुम तो मुझसे मिले थे मैंने क्या कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, इस बार का पेपर का कट ऑफ लो जाना है, और वो लो गया भी। यस सर, चलो एनीवे बहुत अच्छा लगा ऋषभ आपसे बात करके। अब आप ऐसे ही एनआईटी में भी जाके कॉन्फिडेंस की तो वैसे ही कमी नहीं है, और इस रैंक ने तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दिया, वैसे ही एनआईटी में भी जाके अपने आप को फोड़ना है और लाइफ में ऐसे ही सक्सेसफुल रहना है और अपने ऊपर ऐसी बिलीफ बनाए रखना है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।